लालू यादव का लेटेस्ट हेल्थ अपडेट आया। सिंगापुर में हुआ किडनी ट्रांसप्लांट। लालू यादव के ऑपरेशन थिएटर के बाहर की कैसी वीडियो आई सामने। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हो गया है। वे पिछले कुछ दिनों से सिंगापुर माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में भर्ती थे। लालू यादव पिछले कुछ दिनों से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। ऐसे में उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था। सोमवार को उनका ऑपरेशन सफल रहा। जिस दौरान उनका ऑपरेशन चल रहा था, उनका लगभग पूरा परिवार ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही मौजूद था। इस दौरान उनके सफल किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर लगातार पूजा पाठ की जाती रही। इस ऑपरेशन के पूरा होने के बाद जैसे ही परिवार को ये सूचना दी गई कि उन्हें लगाई गई नई किडनी को उनकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उनका परिवार खुशी से झूम उठा। इस सफल ऑपरेशन के बाद लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने इस दौरान एक वीडियो भी शेयर की, जिसमें लालू यादव को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ लाइनें भी ट्वीट की, जिसमें उन्होंने लिखा, पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों स्वस्थ हैं। आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद। इसके पहले लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने छोटी बहन रोहिणी आचार्य की सफलतापूर्वक सर्जरी की जानकारी दी थी। मीसा भारती ने ट्वीट कर बताया था कि छोटी बहन रोहिणी, जो कि डोनर थी, उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है। वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अभी आईसीयू में हैं और अभी पापा का ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बिहार की पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बेटे तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। सभी बेसब्री से ऑपरेशन के कामयाब होने का इंतजार कर रहे थे। पिता को किडनी देने से पहले लालू यादव की दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पर लोगों की शुभकामनाएं मांगी। रेडी टू रॉक एंड रोल, विश मी अ गुड लक। गौरतलब है कि रविवार को ट्रांसप्लांट के लिए उन्हें देर रात अस्पताल में भर्ती किया गया था। रोहिणी ने इसकी तस्वीरें भी शेयर की थी। लालू यादव को अस्पताल में पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। रोहिणी की किडनी अभी 90-95% तक काम कर रही है। वही लालू प्रसाद की दोनों किडनी 28% ही काम कर रही है। ट्रांसप्लांट के बाद ऐसी उम्मीदें हैं कि इनकी किडनी 70% तक काम करने लगेंगी। आपको बता दें कि जिस दौरान लालू यादव का ऑपरेशन चल रहा था, उस दौरान बिहार में लालू समर्थक पूजा पाठ आदि करते और उनकी सलामती की दुआ मांगते भी दिखाई दिए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।